सब्सक्राइब करिए धनु की दुनिया यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें। श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया में। बात करेंगे धनुराशि वाले जातकों के चार दिनों के दैनिक राशि फल के बारे में, यानी कि 13, 14, 15 और 16 जनवरी। ये चार दिन आपके जीवन के कैसे रहेंगे, इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल धनु की दुनिया पे मित्रों पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं ये चार दिन आपके जीवन के कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, इन चार दिनों में जो जातक हैं, व्यापार करते हैं जो जातक, उनके लिए ये चार दिन थोड़ा परेशानी वाला रहने वाला है। पूरा समय जो ये चार दिन होगा, कोई ना कोई अड़चन आती रहेगी, जिससे न केवल कार्य जो है आपका काम करने की शैली में प्रभावित होगी, बल्कि मानसिक तौर पर भी आप परेशानी का अनुभव करने वाले हैं। इसके अलावा इन चार दिनों में कोई ना कोई आर्थिक दंड दे सकते हैं, चालान उलान आपका कटने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी पेशा जो नौकरी करते हैं जो जातक हैं, उनको पार्टी या ग्राहक से वाद विवाद होने की भी स्थितियाँ दिख रही हैं, इसलिए थोड़ी सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सावधानी के साथ डील करिए, बेहतर होगा। आपको जैसे हमारी सलाह रहेगी, वाद विवाद से दूर रहना है, आपको बच के रहना है, सतर्क रहना है, सावधान रहना है, समस्या को शांत मन से सुलझाने का प्रयास करना है। इन चार दिनों में पति पत्नी के मध्य छोटी मोटी बातों पर खटपट होने की संभावनाएँ दिख रही हैं, लेकिन आप दोनों मिलकर इस मैटर को सुलझा लेंगे। कोई मेहमान भी आ सकता है इन चार दिनों में आपके घर, जिससे आपको खुशी तो होगी परंतु आपका बहुत सारा कीमती समय उनके खातिरदारी में ज़ाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। थोड़ा सेहत के प्रति सचेत रहिए, अकड़न दर्द आपको परेशान कर सकता है पैर में खासकर, इसलिए आपको तेल से मालिश करवानी है, इसका उपाय है। और ठंडी से बचकर रहना है, ठंड से जितना हो सके अपने आप को बचाइए, क्योंकि अभी का जो ठंड है बहुत ही खतरनाक है, इसलिए अपने सेहत का विशेष ध्यान रखिए, विशेष ख्याल रखिए। दोस्तों, गरीब विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु आप जो दान कर सकते हैं करिए, इससे आपके मन को संतोष मिलेगा, मानसिक शांति प्रदान होगी, प्राप्त होगी आपको, इसलिए जो भी आप मदद कर सकते हैं गरीब बच्चों की शिक्षा में करिए, आपकी यथासंभव जो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके चार दिनों का दैनिक राशिफल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो। मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, साथ ही साथ अपना भी ख्याल रखिए। ये चार दिन मंगलमय बीते, शुभ बीते, अच्छे बीते, यही कामना करते हैं। जय श्री राधे जय भोलेनाथ।